हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कल अपडेट दिया था कि जी जो CTI का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी कि जो कि हमारा 19-20 जुलाई को होने वाला था, वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जो निमी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रहा है कि ये जो COVID-19 पैंडेमिक है हमारी, यानी कि जो कोरोना की महामारी है, उसके कारण आपको पता है कई एग्ज़ाम्स हमारे कैंसिल हुए हैं। यहाँ तक कि जो CBSE बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बहुत से ज़्यादा परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं, वो परीक्षाएं भी कैंसिल हो गई हैं। तो अपडेट ये निकल के आ रहा है कि कैंसिल हो सकता है। तो अगर ये अपडेट आ गया है तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम 100% कैंसिल होगा। और एग्ज़ाम होने की संभावना की बात करें तो एग्ज़ाम हमारा अगस्त लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 90% आप मान के चलिए, 80-90% आप मान के चलिए कि जो 19-20 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल होगा। और ये देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि जो है ख़राब न्यूज है कि जिन लोगों की तैयारी थी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी तैयारी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे थे और फॉर्म आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और जब भी CTI का फॉर्म आता है तो वहाँ पे आपको तैयारी का बहुत ही कम समय मिलता है, यानी कि लगभग 1 महीने या उससे भी कम। तो बहुत लोग क्या करते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं तो क्या कर देते हैं, आशा विहीन हो जाते हैं, यानी कि अपनी होप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर कमेंट्स क्या आने लगते हैं कि सर उस कॉलेज का नाम बताइए जिसकी मेरिट कम जाती है स्ट्रेट से। क्यों उन लोग के ऐसे कमेंट क्यों आते हैं, क्योंकि वो लोग जो है होपलेस हो चुके होते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ी अच्छी न्यूज़ है कि अगर डेट 1 महीने या 15 दिन कुछ भी समय पड़ती है, ठीक है, यानी कि जो डेट एग्ज़ाम ऑफिशियल दिया हुआ है 19-20 जुलाई, अगर उससे 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने कुछ भी डेट बढ़ती है, तो उन लोगों के लिए उम्मीद हो जाती है, आशा हो जाती है कि हम भी NSTI यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। और उसी आशा को बरकरार रखने के लिए, उसी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैं ले आया हूँ आपके लिए मैथ की क्लास। जैसा कि आपको पता है, अभी तक तो जो मेरी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी वो दूसरे चैनल पे चल रही थी, वहाँ पे कुछ इशूज़ हैं, ठीक है, तो ये मुझे करना पड़ा, अपने चैनल पे शुरू करना पड़ा। तो यहाँ पे रेगुलर आपको जो मैथ की क्लास है वो मिलेगी, और मैं अभी देख रहा हूँ टाइमिंग का, लेकिन डेली आपको 7 बजे, ठीक है, डेली आपको 7 बजे जो CTI का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी। और जो मेरा टारगेट है वो है 20 से 22 लेक्चर में पूरा कोर्स ख़त्म करने का। लेकिन आप पहले मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट, क्योंकि मेरा पहला लेक्चर है, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए अपनी बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो टारगेट है वो 20 से 22 लेक्चर में जो मैथ की क्लास है उसको ख़त्म करने का है। लेकिन अगर एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ती है, यानी कि अभी तो अपडेट आया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, शेड्यूल हो सकता है, तो हमारी क्लासेस 22 लेक्चर में। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता, यानी कि एग्ज़ाम हमारा होता है 19-20 जुलाई को, ठीक है, एग्ज़ाम हमारा होता है 19-20 जुलाई को, तो आज 7 तारीख है, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आज 7 तारीख है, तो डेली अगर 2-3 दिन में अपडेट नहीं आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे नहीं होगा, तो डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी मैथ की। और 17 जुलाई तक आपका मैथ का कोर्स ख़त्म हो जाएगा अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो हमारे पास पूरा टाइम रहेगा सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने का, प्रश्नों को करने का, तो 20 से 22 लेक्चर में आपका जो है ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी ट्रेड से जुड़े हैं, आपको किस ट्रेड की क्लासेस चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, तो आप वहाँ पे जो है मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसका जो PDF है, यानी कि उससे जुड़े प्रश्नों का जो PDF है, वो आपको मेरे ग्रुप में मिलेगा, करियर अपडेट बाई इंजीनियर नाम से ग्रुप है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सभी, अगर किसी भी ट्रेड से हैं तो आप वहाँ पर, आपको अलाउ होगा कि आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं और अपने ट्रेड से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और आपके ट्रेड से जुड़े जो भी कंटेंट होंगे उसको मैं वहां पे प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। अब आइए आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ में, वो है हमारा टॉपिक जो है लेक्चर, वो है मैथ का लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। और मैथ में हम लोग शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज। देखिए बेसिकली जो मैं मैथ शुरू करता हूँ वो हमारा जो है नंबर सिस्टम से होता है, लेकिन नंबर सिस्टम एक हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसको ख़त्म करने हमारे 3 से 4 लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। तो
अभी क्या है कि अभी जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जो 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म हो सकते हैं और जिनसे प्रश्न बनने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में देखिए कुछ फार्मूले हैं, कुछ प्रश्न आपको फार्मूले से होंगे और कुछ प्रश्नों की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक से आप 30 सेकंड के अंदर, जिन लोगों ने मेरा रीजनिंग का वीडियो देखा होगा दूसरे चैनल पे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पहले मैं दूसरे चैनल पर पढ़ाता था, ये मेरा खुद का चैनल है। तो अगर आप मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने रीजनिंग की क्लासेस मेरी देखी होंगी उनको पता होगा कि ट्रिक वाइज मैं सभी चीज़ें बताता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो 30 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को कर सकते हैं उस ट्रिक की सहायता से। तो उसी तरीके से मैथ में भी आपको ट्रिक बताई जाएंगी। देखिए साधारण ब्याज के पहले जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उसको फार्मूले को देख लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगर मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। अगर आपने रीजनिंग की नोट्स बनाई है मेरे जो लेक्चर्स हैं उसकी तो बहुत अच्छी बात है, आप मैथ्स की भी नोट्स बनाना चालू कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आप सब आप नोट्स लेके बैठ जाइए और लिखिए। साधारण ब्याज का पहला फार्मूला, सिंपल फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दूसरा फार्मूला साधारण मिश्रधन। साधारण मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो ब्याज के जोड़ने के बाद हम धन किसी को देते हैं या हमें धन मिलता है वही क्या होता है, वही होता है हमारा साधारण मिश्रधन। मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन यहाँ पे 100 प्लस दर गुणे समय बटे 100। दर को हम इंग्लिश में जो है रेट भी बोलते हैं, ठीक है, दर को इंग्लिश में हम लोग रेट भी बोलते हैं। तीसरा जो फार्मूला है महत्वपूर्ण वो क्या है, मूलधन बराबर साधारण मिश्रधन गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 100 प्लस दर गुणे समय। चौथा फार्मूला है साधारण मिश्रधन, ये सभी को पता है साधारण मिश्रधन क्या होता है, जो मूलधन और जो उस पर ब्याज लगा हुआ है, साधारण ब्याज लगा हुआ है उसी का जोड़ होता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी जो अभ्यास करने के लिए प्रश्न हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग प्रश्नों से शुरू करेंगे, तो सिंपल प्रश्नों से लेकर हम लोग कठिन प्रश्नों की ओर पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से करेंगे, और जो कठिन प्रश्न होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम अपनी ट्रिक से करेंगे। तो उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रश्न। क्वेश्चन आपसे पूछा है 500 की धनराशि, 500 की धनराशि दस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, क्या हो जाती है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, ठीक है। तो उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो सरल प्रश्नों से लेकर हम लोग किधर पढ़ेंगे, कठिन प्रश्नों की तरफ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई बहुत सिंपल प्रश्न है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलेंगे तो आपको चीज़ें आगे आने वाली जो कठिन चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको छोड़ के जाना नहीं है लेक्चर को, लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए यहाँ पे SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला मैंने भी आपको लिखा था, आपने वो नोट भी किया होगा। तो क्या होगा, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, मूलधन हमारा 500 है, ठीक है, दर हमारा कितना है 10%, गुणते समय, समय हमारा कितना दिया है 3 वर्ष, ठीक है, समय हमारा दिया है 3 वर्ष, बटे यहाँ पे हम लोग कर देंगे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 धन 50 और 50 से आई 150, तो हमारा जो साधारण ब्याज आ जाएगा वो 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न।
यानी कि टाइप टू। ठीक है, ये हमारा टाइप वन हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम बचे और जो है मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आप डालेंगे टाइप टू। टाइप टू का क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपसे पूछा है 6%, 6% वार्षिक ब्याज दर से, 6% वार्षिक ब्याज दर से 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का 5 वर्ष, 7,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण मिश्रधन, साधारण मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, अब मैंने आपको जब शुरू में क्या लिखे थे, 4 फार्मूले लिखे थे, तो उसमें मैंने आपको क्या लिखा था, उसमें मैंने आपको साधारण मिश्रधन का भी फार्मूला लिखा था। तो साधारण मिश्रधन का फार्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ। साधारण मिश्रधन फार्मूला क्या होता है, साधारण मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन 100 प्लस दर गुणते समय, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, जो साधारण मिश्रण का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन, फिर हमको क्या लिखना है ब्रैकेट में 100 प्लस दर गुणे समय, उसके बाद बटे क्या कर देना है, बटे कर देना है 100। ठीक है, तो अब देखिए साधारण मिश्रधन हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज आप रखिए, क्या हो जाएगा 7,000, क्योंकि हमको मूलधन क्या दिया है 7,000। फिर यहाँ पे 100 प्लस दर कितना है हमारा 6%, इंटू यहाँ पे हम लोग समय रखेंगे 5 वर्ष, बटे यहाँ पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 7,000 हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 13 सते 91, और यहाँ पे 2 जीरो 91, यानी कि साधारण मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 9,100 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब अगर आपको साधारण मिश्रधन मिल गया, ठीक है, और आपको मूलधन पता है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 6% वार्षिक ब्याज दर से 7,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण मिश्रधन एवं साधारण ब्याज बताइए। तो वहां पे आपको ऑप्शन में दो आंसर दे सकता है। तो अब आपने क्या निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया, और आपको क्या पता है, मूलधन पता है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन हमारा है 9,100 रुपये, मिश्रधन हमारा है 9,100 रुपये माइनस 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 2,100 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 2,100 रुपये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में दो सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारे क्या हो सकते हैं, सिंपल जो है हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है और हमारा हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए। तो आगे एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं फार्मूले पे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने ट्रिक की तरफ। ठीक है, तो टाइप 3 का प्रश्न है, आइए देखते हैं उसमें आपसे क्या पूछा है। टाइप 3 का प्रश्न देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है 5% वार्षिक ब्याज दर से, 5% वार्षिक ब्याज दर से
किसी धन का 4 वर्ष का साधारण मिश्रधन, साधारण मिश्रधन 9600 यानी कि 9600 रुपए है, 9600 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? तो अभी मैंने जब सबसे पहले लेक्चर शुरू करने के सबसे पहले में 4 फार्मूले लिखे, तो उसमें किसका फार्मूला था? उसमें मैंने आपको मूलधन का भी फार्मूला लिखा था। तो मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन हमारा हो जाएगा साधारण मिश्रधन गुणते 100 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा 100 प्लस दर गुणते समय। ठीक है, मूलधन का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन का फार्मूला हमारा हो जाएगा साधारण मिश्रधन गुणते 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। अब हम क्या कर देंगे, इसमें सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, साधारण मिश्रधन हमको कितना दिया है? साधारण मिश्रधन हमको दिया है 9600 रुपये यानी कि 9600 रुपये। तो 9600 गुणते 100, ठीक है, फिर हम यहाँ पे कर देंगे 100 प्लस दर हमको कितना दिया है 5 और समय कितना दिया है 4, तो 5 चौक हमारा कितना हो गया, 5 चौक हमारा हो गया 20। ठीक है, 5 चौक हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9600 क्योंकि यहाँ पे 100 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 के आगे क्या हो जाएगा, 3 जीरो यानी कि 100 में हम लोग 20 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2000। अब देखिए 3 जीरो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 8 16 यानी कि 480 रुपये। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कट मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है, 100 में 120 को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 96 के आगे 4 जीरो आएगा और उसके बाद 100 और 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया था गलती से, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब आप इसको कर दीजिए तो 12 कितना होता है, 96 और 96 के आगे 3 जीरो यानी कि जो मूलधन है वो हमारा कितना आ जाएगा, 8000 रुपये। ठीक है, देखिए सभी टाइप के मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे अपडेट मिलेंगी आपको, बहुत सी चीज़ें हैं, पहले एक बार ज्वाइन करके देखिए ग्रुप। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4, देखिए अब हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम लोगों ने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकाल लिया, उसका फार्मूला हमारे पास है। दूसरे वाले क्वेश्चन में साधारण मिश्रधन निकाल लिया, उसका फार्मूला हमारे पास है। तीसरे वाले के टाइप में जो है मूलधन निकाल लिया, इसका फार्मूला हमारे पास है। अब देखिए चौथे और पांचवे टाइप में, इसमें हमको क्या पड़ेगी ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में आसानी से कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है थोड़ा सा, तो ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से आपका समय जो है बच जाता है। देखिए टाइप 4 का जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी धन का साधारण ब्याज कितने वर्षों में कितने
वर्षों में मूलधन का, कितने वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाएगा? तो अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, CTI का एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास टाइम की कमी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, जो कन्वेंशनल तरीका है, यानी कि जो पारंपरिक तरीका है प्रश्नों को सॉल्व करने का, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए, दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने मेरा रीजनिंग का क्लास किया होगा उनको पता होगा कि रीजनिंग में भी मैंने ट्रिक बताई थी। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको जो अन्य मेथड है, यानी कि जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कन्वेंशनल, जिससे बच्चा सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे आप किसी बच्चे से पूछेंगे कितनी टॉफी, तो गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे टॉफियों को गिनेगा, सब कुछ है। लेकिन जो हम लोग का तरीका है उसको भी आपको बताऊंगा, ताकि कभी कभी यहाँ तक अगर आप ट्रिक भूल जाएँ तो आपको कन्वेंशनल मेथड पता रहे उसको करने का, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या आपको दिया है कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी धन का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पारंपरिक तरीका। तो सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, माना मूलधन बराबर कितना, एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने माना मूलधन बराबर एक्स। कह रहा है धन का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो मूलधन हमने एक्स माना है, तो मूलधन का 3 गुना हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी धन का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का 3 गुना, यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3x, ठीक है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम क्या कर देंगे, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तब हमारा क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो देखिए, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100, ये फार्मूला आपको पता है। तो देखिए, साधारण ब्याज हमने कितना माना है, 3x, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3x इक्वल टू मूलधन कितना है, x, इंटू दर कितना है, 20, इंटू समय कितना दिया है, समय आपको दिया है कितने वर्षों में, समय आपको निकालना है, यानी कि समय हमने कितना मान लिया, t, ठीक है। समय आपको इसमें निकालना है, तो समय हमने मान लिया कितना है, t है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे 100, ठीक है, ये हमने किया यहाँ पे। अब देखिए, आप इसको सॉल्व करिए, तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2t, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 हमने कैंसिल किया, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा क्या है, बचा हुआ है 2t, तो t इक्वल टू हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो t इक्वल टू आएगा हमारा 15 वर्ष, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछता है तो आपको इतना लंबा करना पड़ेगा इसका आंसर फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ट्रिक, आप देखिए, एक सिंपल ट्रिक, 30 सेकंड से भी कम समय आपको लगेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो ट्रिक आपका है, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर गुना बटे दर गुणते 100, ठीक है। मतलब इस ट्रिक जो है, इसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू को पुट कर देना है। अब देखिए, मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, हमें क्या ज्ञात करना है, समय, तो समय हमने मान लिया टी, गुना यानी कि जितना गुना हो जा रहा है, जो हमारा साधारण ब्याज है मूलधन का जितना गुना हो जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो 3 बटे दर यहाँ पे कितनी है, 20 गुणे 100, ठीक है। 20 पंजे 100 और 5 दियाएं 15, टी बराबर हमारा कितना आ गया, 15 वर्ष।
तो इस तरीके से बस आपको क्या करना है, समय बराबर गुना बटे दर गुणे सौ, समय तो हमको निकालना ही है, तो इसको हमको एग्जाम में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। गुना की जगह पे हम वो चीज़ रखेंगे 3 गुना, जैसे यहाँ पे दिया है 3 गुना, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना। तो बस यहाँ पे हमने 3 रखा, दर रखा और गुणे सौ से मल्टीप्लाई कर दिया, और कैलकुलेट करके क्या निकाल लिया, अपना जो है समय निकाल लिया। अब देखिए दूसरा इसी पे क्या, अगर आपसे क्या पूछ ले, यहाँ पे आपसे पूछा है समय, अगर आपसे क्या पूछ ले दर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको दे दे कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी धन का साधारण ब्याज कितने वर्ष, साधारण ब्याज यहाँ पे आप वर्ष रख लीजिए, 10 वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अब उसने क्या कर दिया, अब उसने कर दिया क्वेश्चन को पलट दिया। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस ट्रिक को पलट देंगे, ठीक है। जैसे उसने क्वेश्चन को पलट दिया, यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, समय निकालने के लिए पूछा था, अब क्या आपसे पूछ रहा है, समय आपको दिया है, आपको पूछा है दर निकालने के लिए। तो इसी ट्रिक को हम लोग क्या कर देंगे, इसी ट्रिक को हम लोग पलट देंगे। तो आपका जो ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा गुना बटे समय गुणते 100, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने प्रश्न को पलट दिया, तो हमने क्या किया, हमने ट्रिक को पलट दिया। अब देखिए दर को हम लोग आर से दिखाते हैं, गुना कितना है 3 गुना, समय आपको कितना दिया है 10 वर्ष, और यहाँ पे गुणते 100, तो 10 दहाई 100, तो 10 दहाई 30, आर बराबर कितना आ गया हमारा 30%, ठीक है। तो इस तरीके से 30 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि घुमाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला हर बंदे को पता है, वो क्या कर लेगा, फार्मूले पे रख के किसी किसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर लेगा। लेकिन जब इस तरीके के प्रश्न पूछने लगता है, तो प्रश्न तो सिंपल है, मैंने जो आपको कन्वेंशनल मेथड बताया उससे भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से जो भी स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, अगर उसके पास समय कम है तो वो डर जाता है कि यार इतना पता नहीं क्या पूछ लिया, कैसे सॉल्व करूंगा, छोड़ो इसको, ठीक है। वो क्या कर देता है, तुरंत उसको स्किप करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि उसको उतना कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपके पास क्या है, सिंपल एक ट्रिक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है यार इसका तो हमको ट्रिक पता है, इसको तो हम 30 सेकंड कर लेंगे। तो सिंपल आप ट्रिक रखेंगे, समय बराबर गुना बटे दर गुणे 100, दर बराबर गुना बटे समय गुणे 100। अब प्रश्न आपको ध्यान से याद रखना है कि जो साधारण ब्याज है वो क्या हो रहा है, मूलधन का 3 गुना हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग ट्रिक से ही पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5। और आप परेशान मत होइए, सभी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनका जो अभ्यास करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइप 5 में देखिए आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछता है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी धन का दर से किसी धन का साधारण मिश्रधन
साधारण मिश्र धन बीस वर्षों में मूल धन का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पिछला प्रश्न इसलिए आपको कहा था, पिछला प्रश्न आप याद रखिएगा। पिछले प्रश्न में आपको क्या कहा था, वहां पे कहा था कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन का, इतने गुना हो जाएगा, एन गुना हम लोग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे साधारण ब्याज गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो साधारण मिश्र धन है वो क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। लेकिन अब भैया इसने तो चेंज कर दिया, तो हम भी क्या कर देंगे, हम भी अपने ट्रिक में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ट्रिक लिखिए इसका, ठीक है। इसका जो ट्रिक है वो है हमारा, दर बराबर गुना -1/100। ठीक है। अब जैसा कि पिछले प्रश्न में आप लोगों ने क्या देखा था, जो हमारी ट्रिक थी वो क्या थी, दर इक्वल टू गुना बटे समय गुणे सौ। अब भैया क्या किया, इसने प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हमने भी अपने ट्रिक में क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि गुना जैसे वहाँ पे हो रहा था, पिछले टाइप के प्रश्न हम लोगों ने देखा दर बराबर क्या हो रहा था, गुना बटे समय गुणे सौ। हमने चेंज क्या कर दिया इसमें, दर बराबर गुना -1/100। क्योंकि इसने क्या चेंज किया प्रश्न में, इसने भी एक चेंज किया, साधारण ब्याज की जगह क्या कर दिया, साधारण मिश्रधन कर दिया। क्योंकि पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, साधारण ब्याज मूलधन का इतने गुना हो जा रहा है, लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि साधारण मिश्रधन मूलधन का इतने गुना हो जा रहा है। और मिश्रधन मैंने आपको बताया कि जो मूलधन और ब्याज को इकट्ठा करने के बाद जो हमें मिलता है पैसा, वो हमारा क्या होता है, साधारण मिश्रधन होता है। तो दर बराबर गुना -1/100। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी धन का साधारण मिश्रधन 20 वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल अपना जो है ट्रिक में रखेंगे, तो दर हमको निकालना है, तो आर बराबर गुना कितना है, 3 गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 -1/100। समय यहाँ पे कितना है, समय आपको दिया है 20/100। तो देखिए आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/20/100। तो 20 पंजे कितना हो गया, 100, और 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो आर बराबर हमारा कितना आएगा, 10%। सिंपल ऐसे आपको रख के निकाल लेना है। और देखिए इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में घुमाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं अगर साधारण ब्याज से प्रश्न बनता है। जैसे कि मैंने शुरू के 3 टाइप बताए, तो वो फार्मूले बेस्ड थे, यानी कि ठीक है साधारण ब्याज से तो पहली बात आपसे प्रश्न जल्दी बनता नहीं है, ठीक है। और बनता है तो जो लास्ट के 2 टाइप मैंने बताए, इसी तरीके का प्रश्न आपसे बनता है। तो इन दोनों जो है टाइप को जरूर याद रखिए। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रश्न में चेंज कर दे, कितने वर्ष में साधारण ब्याज, कितने वर्ष में 10% यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। कितने वर्ष में, देखिए प्रश्न चेंज कर दिया मैंने, इस वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था, दर। अब जो प्रश्न चेंज कर दिया उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें आपसे पूछ रहा है समय। कितने वर्ष में 10% साधारण ब्याज दर से किसी धन का साधारण मिश्र धन मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समय वाला ट्रिक हम लोग क्या कर देंगे, जस्ट अपने ट्रिक को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो समय निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना -1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर गुणते सौ, ठीक है। तो समय निकालने के लिए हमारा कौन सा ट्रिक हो जाएगा, समय निकालने के लिए हमारा ये वाला ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है देख लीजिए, इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। समय हम लोग टी ले लेते हैं, गुना
थ्री माइनस वन बटेदार हमको कितना दिया है 10%, 10 × 100, ठीक है। तो t बराबर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 2/10 × 100, तो 10 × 100, 10 × 20, t बराबर हमारा कितना आएगा 20 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इतने टाइप के प्रश्न हमारे क्या बन सकते हैं, इतने टाइप के ही जो प्रश्न हैं हमारे वो बन सकते हैं एग्जाम में साधारण ब्याज से, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है CTI एग्जाम के लिए, और ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। अभी तक आप लोगों ने क्या किया होगा, दूसरे चैनल पे मेरी क्लासेस देखी होंगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ इशूज़ थे जिससे मैं जो है मैं अपने चैनल पे ये क्लासेस डाल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पर सभी गाइडेंस मिलेंगे CTI एग्जाम्स रिलेटेड किसी भी ट्रेड से। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कैरियर अपडेट बाई इंजीनियर, ठीक है। करियर अपडेट बाई इंजीनियर, आप इंजीनियर मैं इंजीनियर मिलकर इस ग्रुप को चलाते हैं और अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसेज अलाउ रहेगा, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी थ्योरी है, कोई भी चीज़ें हैं किसी भी ट्रेड से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाते हैं आगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसको पढ़ेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको पता है और भी थोड़ा सा टफ होता है हमारा साधारण ब्याज से। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया तो उसकी कुछ ट्रिक्स है। अंतर पूछ लेता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, 2 वर्षों का अंतर, 3 वर्षों का अंतर, तो उस पर आपको ट्रिक मिल जाएगी। यानी कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको आज तक कभी नहीं समझ में आए तो आसानी से आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।